वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव पांडे आप सभी लोगों का अपने चैनल शिव पांडे नेटवर्क पे स्वागत करता हूँ। स्ट्राइकिंग थॉट्स बाय ब्रूस ली, अ वेरी पावरफुल बुक। इस बुक में लाइफ के डीपर विजडम हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सफिशियंट है, और इसीलिए मैंने आप सभी लोगों से ये कमिट किया हुआ है कि इस बुक के सारे डीपर विजडम को वीडियो के फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आप भी इन विजडम को अपने लाइफ में अप्लाई कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। अभी तक मैंने इस बुक के 12 चैप्टर्स को कवर कर दिया है। आई एम श्योर कि आप इन सारे वीडियोस को देख रहे हो, और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आई बटन पर क्लिक करके अभी इन वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपके माइंड को चेंज करेंगे और आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, आपको लगता है कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो इन वीडियोस को केवल अपने पास तक ही मत रखो, दूसरों से इन वीडियोस को शेयर करो, जिससे उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, इसी तरीके से मैं आप लोगों के पास नए नए विजडम को, नए नए नॉलेज को पहुंचाता रहूं, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट तो बनता है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई वीडियोस आपसे मिस न होने पाए। आज की वीडियो में मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13, लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter number 13 and the name of this chapter is very complicated, that is Wu Wei. Pronunciation bada difficult hai. Ye ek Chinese word hai, right? Aur is Chinese word ka jo matlab hota hai usko bolte hai natural action. That is the effortless action. It means spontaneity. That is to support all things in the natural stage. जब भी हम बात करते हैं वो यही की, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ न हो, कोई टेंशन न हो, कोई मिर्च मसाला न हो, जो चीज़ आपके अंदर है बस वही स्पॉन्टेनियसली फ्लो करना चाहिए। किसी को खुश करना है, किसी के लिए कुछ करना है, आपके माइंड में हजारों थॉट चल रहे हैं, आप अपने स्पॉन्टेनिटी को खो दोगे। Spontaneity with complete awareness, absolute awareness is actually Wu Wei. That is the effortless action. Deeper wisdom है, थोड़ा सा ठहराव देकर इसको समझो, आपको बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये कहते हैं in this manner Tao undertakes no activity and yet there is nothing left undone. बड़ी अजीबो गरीब बात है, कहते हैं कि आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं। दैट इज दी Wu Wei. द कॉन्सेप्ट ऑफ Wu Wei, कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्टलेस एक्शन इज यू डोंट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली नेचुरली। दिस इज द डीपर विजडम ऑफ Wu Wei. नेचुरल एक्शन इज प्लायबल। सी, नेचुरल एक्शन एक वाटर के फ्लो की तरह होता है, एकदम फ्लूड की तरह होता है, फ्री होता है, पूरी तरीके से इसके अंदर प्लायबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे वाटर अगर फ्लो कर रहा है ना, तो उसके रास्ते में अगर बड़ा सा रॉक आ जाता है, पत्थर आ जाता है, तो उस पत्थर से वो लड़ाई नहीं लड़ता है, उसके साथ वो बॉक्सिंग नहीं करता है, बल्कि अपने रास्ते को वो चेंज कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक लचीलापन होता है, क्योंकि उसका गोल क्या है, फ्लो करना, फ्रीली फ्लो करना। तो इस तरीके से अगर आप एफर्टलेस एक्शन लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप फ्रीली फ्लो करेंगे और अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। दैट इज द नेचुरल एक्शन। अब ये कहते हैं Wu Wei इज स्पॉन्टेनियस एक्शन। स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है जैसे वाटर फ्लो कर रहा है और रॉक उसके सामने आ जाता है, तो आप देखोगे कि वो स्पॉन्टेनियसली इमीडिएटली वो अपने रास्ते को चेंज कर लेता है। वो सोचने नहीं बैठ जाता है कि मुझे यहां पर रुकना है, मुझे इससे लड़ाई लड़नी है, मुझे इससे पूछना है कि तुम मेरे रास्ते पे क्यों आ गए। वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, बस वो फ्लो करता है, और यही होता है नेचुरल एक्शन, यही होता है एफर्टलेस एक्शन। फिर एक्शन इन कन्फॉर्मिटी विद दिस सिचुएशन। जब भी हम एफर्टलेस एक्शन लेते हैं ना, तो एक्चुअली में ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है,
कि आप सुपीरियर मैन लेट्स हिमसेल्फ बी गाइडेड, ही डजंट गो अहेड ब्लाइंडली बट लर्न्स फ्रॉम दिस सिचुएशन व्हाट इज डिमांडेड ऑफ हिम एंड देन फॉलोज। जो एफर्टलेस एक्शन होता है वो सिचुएशन को समझता है और सिचुएशन के बेसिस पे अपने एक्शन को लेता है। आपने देखा होगा ना, कई सारी चीज़ें आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके जाते हो और जब आप तैयार करके जाते हो सिचुएशन आपके अगेंस्ट में होता है, आपके फेवर में नहीं जाता है, जैसा आप सोच कर रखते हो वैसा नहीं होता है, तो आपका वो सारा एक्शन पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाता है। आप घबरा जाते हो, फियरफुल हो जाते हो, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है और जो इफेक्टिव प्रोडक्टिव एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है क्योंकि आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा। लेकिन जो एफर्टलेस एक्शन होता है, जो नेचुरल एक्शन होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में जाते हो, आपने पूरी प्रिपरेशन की हुई है, पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन आपके अंदर ये एफर्टलेस एक्शन का एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ है, आपने इस आर्ट को अपने अंदर इम्बाइब नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में जैसे ही क्वेश्चन चेंज होते हैं, इंटरव्यूअर का माइंडसेट चेंज होता है, कुछ नए केस स्टडीज दे देता है, आप पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और पूरी प्रिपरेशन आपकी धरी की धरी रह जाती है क्योंकि आपने पूरा एफर्ट लगाया हुआ है, आपके अंदर एक माइंडसेट है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने एक्शन किया हुआ है। आपने ये सोचा हुआ है कि मैं अपने इस एक्शन से इस जॉब को क्रैक कर ही लूंगा, इंटरव्यू क्रैक कर ही लूंगा, क्योंकि आपने अपने हर एक एक्शन को उस सक्सेस से जोड़ लिया। जब आपको फेलियर मिलने लगती है तो आप घबरा जाते हैं। एफर्टलेस एक्शन आपको बताता है कि आप पूरी तरीके से एक्शन लोगे लेकिन अपने आप को रिजल्ट से नहीं बांधोगे। इसके बारे में और डिटेल में बातें करता हूं, पहले इस पूरी चीजों को कवर कर देता हूं। डोंट सीक बट अलाउ। ये मत सोचो कि रिजल्ट ऐसा ही होगा, अपने आप को फ्लो करने दो, पूरी तरीके से अपने आप को फ्लो करने दो। कंट्रोल मत करो अपनी एक्टिविटी को, माइंड को पूरी तरीके से फ्री रखो, तब जाकर आपका एक्शन प्योर होगा, कंटेमिनेशन से फ्री होगा, आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं उससे फ्री होगा और आपका जो एक्शन होगा वो परफेक्ट होगा, एफिशिएंट होगा, प्रोडक्टिव होगा और आप पूरी तरीके से अपने एक्शन को परफॉर्म कर पाओगे इफेक्टिवली। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वे, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। जो एफर्टलेस एक्शन है उसका प्रिंसिपल क्या है, ब्रूस समझाते हैं, वो इज स्पॉन्टेनियस एक्शन विदाउट प्री अरेंजमेंट। यस, जब वे की बात होती है तो ये एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, नेचुरल एक्शन है, कोई भी आप इसके लिए प्री अरेंजमेंट नहीं करते हो, मतलब जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस एक्शन आपके शरीर से होता है, आपके माइंड से होता है। वो ही इंश्योर्स द स्पिरिट ऑफ हार्मोनी विथ नेचर। आप नेचर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को पूरी तरीके से हार्मोनाइज करते हो, यही वो ही का पूरा एक बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जब आप एफर्टलेस एक्शन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, जो प्लानिंग थी आपने प्लानिंग कर लिया हुआ है, अब जब एक्शन लेना है तो आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं चल रहा है, बस उस एक्शन को आपने डेडिकेट कर दिया, केवल और केवल आप एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हो और आपके और आपके एक्शन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप एक्शन ही हो गए हो, कर्म और आपके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है, यह है एफर्टलेस एक्शन। जब आप एफर्टलेस एक्शन लेते हो ना तो आप पूरी तरीके से फ्लो में फ्लो करते हो, वो एक्शन की जो डिमांड होती है उस एक्शन में डूब जाते हो। जैसे एक पेंटर है, जब वो पेंटिंग करता है तो उसके आसपास से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको पता नहीं चलता है। जब ये सिंगर सिंगिंग करता है, जब एक डांसर डांस करता है, तो वो एक्चुअली में सब कुछ भूल जाता है। वहाँ पे आपको नज़र तो आ रहा है, उसके बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसका हाथ चल रहा है, उसकी आवाज़ चल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो पूरी तरीके से अपने आप को खो देता है। उसका जो ईगो होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, वो ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पे जो सॉन्ग है, सॉन्ग सिंग्स इट्सेल्फ, डांस डांसेस इट्सेल्फ, पेंटिंग पेंट्स इट्सेल्फ, राइट?
तो यहाँ पे आप रहते ही नहीं हो, आप दूर हो जाते हो, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है, और इस स्टेज को बोलते हैं फ्लो का स्टेज, और इसी स्टेज को बोलते हैं आइडेंटिटी लेस स्टेज। और जब आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हो, उस काम में भूल जाते हो, उस काम में इतने मगन हो जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाओ, तो वो स्टेज जो होती है वो वही की स्टेज होती है, नेचुरलिज्म की स्टेज होती है, स्पॉन्टेनिटी की स्टेज होती है, एफर्टलेस एक्शन की स्टेज होती है। इसमें आप अंदर से पूरी तरीके से शांत हैं, पूरे तरीके से आप काम में मगन हो चुके हैं, डूब चुके हैं, और आपसे काम बस केवल फ्लो कर रहा है। दिस इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो वे, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफर्टलेस एक्शन, माई डियर फ्रेंड। तो मैं जब भी एफर्टलेस एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपको साफ साफ समझाना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से प्लानिंग करो, आप अपने ड्रीम के बारे में सोचो, लेकिन जब आपने प्लानिंग कर ली, जब आपने सारे के सारे फ्रेमवर्क तैयार कर लिए, और जब एक्शन की बात आ रही है, तो उस टाइम पे आपके बीच में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। एक्शन और आपके बीच में अगर थॉट आया, तो आप नेचुरलिज्म को खो देते हो, और आपने अपने एक्शन को कंटेमिनेट कर लिया, उसे दूषित कर लिया, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए आप जब भी एक्शन लो, रिजल्ट से अपने आप को दूर कर लो, रिजल्ट का जो माइंड है उसको साइड कर लो, पूरी तरीके से माइंड को ड्रॉप कर लो, और केवल कर्म में अपने आप को फ्लो करा दो। इसी को बोलते हैं एफर्टलेस एक्शन, और इसी को कृष्ण ने गीता में भी बोला हुआ है कि इसको बोलते हैं अकर्ता का भाव, नॉन डूअर मेंटालिटी। आई एम नॉट द डूअर, जस्ट आई एम डूइंग द एक्शन, बट आई एम नॉट द डूअर। एक्शन इज एक्चुअली डन बाय दिस बॉडी, दैट्स ऑल, एफर्टलेस एक्शन वो वही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला होगा एफर्टलेस एक्शन का, और अगर आपके अंदर क्वेश्चन उठता है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस को लिखो, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा ललचाता हूँ, एक्साइटेड हूँ कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ, जिससे आप भी अपने जीवन में एफर्टलेस एक्शन को, वो वही के प्रिंसिपल को उतार सको। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, और ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है, इस बुक के जो डीपर विजडम है आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।